तो फाइनली आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो आ गई है एंड ये वीडियो रात को 3 बजे शूट हो रही है बिकॉज कल तो आपका पेपर होने वाला है, कई जगह 29 को हो रहा है एंड कई जगह 30 एंड कई जगह 31। अब जिसका 29 को हो रहा है तो उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा एंड आई थिंक आज पूरी रात वीडियोज़ बनाना पड़ेंगी एंड तबीयत भी ख़राब होने वाली है मुझे लग रहा है। ओके तो आपके आंसर्स भी मैंने दे दिए हैं तो आपको आंसर्स ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप आंसर डायरेक्ट कवर कर सकते हो। ओके तो चलो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपको आवाज़ में चेंज आएगा तो यार प्लीज़ इग्नोर करना, ओके ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके यार शेयर भी कर देना, फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप पर जितना हो सके शेयर करना बिकॉज मासिक टेस्ट आपका यहीं से आएगा। देखो जो मासिक टेस्ट आपके आ रहे हैं ना वो स्कूल से बन रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन तो थोड़ी ना वो लोग अपने मन से उठाएंगे, वो क्वेश्चन तो वही उठाएंगे ना जो पिछले साल आए हैं या जो आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही उठाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाली वीडियो में सभी कवर करा दिए। ओके देख आपके पास अभी टाइम तो है नहीं कि आप पूरा पढ़ो, तो यही पढ़ना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके तो इसको पढ़ लीजिए। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव भूगोल के प्रतिनिधि और क्रियाशील मानव बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा है, तो इसका हो जाएगा रेट जेल। फिर उसके बाद रुको और जयो, निश्चयवाद की नई संकल्पना प्रस्तुत करने वाले भूगोलविद्ता हैं, तो वो हैं गिगिफ टेलर। ओके उसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो वो है पश्चिम बंगाल। भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर थी। तो फिर आ जाते हैं अपन लोग 30 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस में, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखिए कोई चार, उसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी भूगोल, समाजवादी कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भौगोलिक सूचना के कोई दो स्रोत लिखिए, तो पहला हो जाएगा हाईवे, जो हाईवे के प्रकर्भरण प्रदर्शन और निवेश तथा बहिर्वर्ष उपतंत्र समाहित होती है। उसके बाद आ जाएगा सॉफ्टवेयर, है ना, तो सॉफ्टवेयर में आप ये लिख देना। फिर उसके बाद आ जाते हैं मान लो क्वेश्चन नंबर 3, पर्सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो राज्य बताइए, तो ये हमारा आंसर रहा। तो इसमें अपन लोगों को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.1 करोड़ थी, वो अरब थी, करोड़ नहीं अरब। सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव भूगोल के कोई दो उपागम बताइए, ठीक है, उपगम भी हो सकता है। फिर इसका हो जाएगा मानववादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय, एंड इसमें गाइस थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर करना। ओके तो सेकंड चीज भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद, एंड नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए, तो मानव भूगोल की प्रकृति को कारण उदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो ये इसका आंसर हमें मिला नहीं था, तो ये अपनी आप गाइडों से ढूंढ सकते हो। ओके तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो आंसर ढूंढना है यार। ओके भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण विवेचना कीजिए, तो ये इतना आंसर रहा एंड इसके बाद थोड़ा सा और है, तो ये यहाँ पर आपको इतने आंसर कंप्लीट कर लेने हैं मासिक टेस्ट के लिए। यार मासिक है कौन सा त्रैमासिक है जो इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप इतना ही पढ़ लीजिए एंड बाकी मैं और PDF हो सकूंगा तो लाऊंगा, तो जल्दी से पहले इन्हें तो कवर कर लीजिए, बाकी और भी वीडियोस आएंगी। ओके अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ना करके शेयर ज़रूर कर देना। ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।